साजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम, आपके दर पे फरिया गाहे करम, वरना चौखट पे हम हो गाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। क्या तुमसे कहूं ऐ रब के कुंवर, तुम जान तो मन की पतियां, दारे फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियां, प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी, कहे बिगह दुस्दीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बतिया, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया, बे हसी ओ हबीबे हसी, पर भी आका नजर मरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। कशो आओ आओ मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मैं कशो आओ आओ मदीने चले, जब है फिजा मदीने में, जब है निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, हमे हयात ना खौफे कजा मदीने में, हमे हयात ना खौफे कजा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, बड़ा है रास है राहे खुदा मदीने में, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, मैं कशो साकी ये कौसर से पीने चले, दस्ते साकी ये कौसर से पीने चले, याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर, उठ गई एक नजर
जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। ओ नजर जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम। मुश्किल है आका किधर जाए हम। सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम। आप ही कर न लेंगे हमारी खबर। हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। आप ही कर न लेंगे हमारी खबर। हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना इरहम लना। कस्ते हम बेचारा रा दामातु दामातु भी मन आसियम मन आजसम मन बेगसम। हाले मेरा पुरसातु 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 पुरसातु। ऐ मुश्तबे जुम्बर फिशा पैके नसीमे सुबह दम। ऐ चार अगर ईसा नफस ऐ मून से बीमार गम। ऐ कासिदे पुरखंदा पे तुझको उसी गुल की कसम। इन्नल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम। बल्लिग सलामी रोजदन फीहन नबील मोहतरम। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे। क्या कहेगा जहां। हम ये बेकसम क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदारे हरम। साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी एफएम 98.2। समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2। सुबह की ताजा खबर औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे। ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZU FM 98.2। पयामे जुस्तजू।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर आरजे सैयदा फरहान अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी। आपका हमारा साथ रहेगा से लेकर पूरे पूरे 11 बजे तक करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? शायद स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए या फिर जाए ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर से सिस्टम है, आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो है आप घुन्ना लिसनर। सो गुन्नो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, सच्ची में हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलकम। तो क्या करेंगे आप? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीकाकार, वो ये है कि आप रिसर्च करना है सैयदा फरहान अली ऑन फेसबुक, जहां पर आपको हमारी लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन कौन कहां कहां से सुन रहा है। साथ ही साथ अपने ZUFM 98.2 का पेज लाइक कर लेना है और आगे जाएंगे आप इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJFarhanOfficial, तो वहां पर मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा। उस अकाउंट को भी जाकर आपने जल्दी से फॉलो कर लेना है ताकि आपकी जिंदगी बाहर निखार सवार सब कुछ आ जाए। मजीद आगे जाएंगे आपको नजर आएगा ट्विटर, ट्विटर पर जाकर सर्च कीजिएगा @SayyedaFarhanAli, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा SayyedaFarhanAli, तो हमारा चैनल भी आपको मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कौन सा बिल आना है? अगर तो आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, बहुत इजीली आप हमें सुन सकते हैं ऑन फेसबुक ऑन माय ट्यूनर रेडियो ऐप, जिसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने फोन, तो आप बहुत ही इजीली हर जगह बैठकर सुन सकते हैं हमारा शो। साथ ही साथ अगर आप ज्यादा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाएंगे तो आपको वहां पर भी हमारे रेडियो का लिंक मिल जाएगा, राइट? मतलब हमने कोई बहाना आपके लिए छोड़ा ही नहीं है ना, सारे बहाने खत्म कर दिए, बस आपने क्या करना है, आपने ना आपे से बाहर नहीं जाना, बस हमारे शो में आने के लिए ना आपे में आना पड़ता है। आपे में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको। सो क्या चल रहा है भाई? नहीं वैसे क्या चल रहा है? तो बातें आज भी बहुत सारी हैं, आज के दो टॉपिक्स भी मजेदार से हैं, तो दो टॉपिक्स आपको बताएंगे लेकिन थोड़ी सी देर में। फिलहाल हम ये करेंगे कि आपको एक ट्रैक सुनवाएंगे और आपको बताएंगे वापस आने के बाद की खबरें, बता देंगे क्या चल रहा है दुनिया में, क्या महंगाई पहुंची है, नहीं कहीं तो पहुंच गई है। सो लेट्स सी कि पहला गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है कौन सा, और सबसे मुश्किल तरीन काम यही है अगर हम ये गाना पसूड़ी प्ले करें कैसा गाना है, मैंने तो सुना ही नहीं है। मजे की बात यह कि मैंने गाना ही नहीं सुना ना इस बार, ये कोक स्टूडियो वाले कोई आतिफ असलम का गाना प्ले करते हैं, और आतिफ असलम का गाना जो हम प्ले करने जा रहे हैं वो जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि आतिफ असलम को तो एक गाना तो रोजाना प्ले होता है ना, लेकिन फिलहाल हम कौन सा प्ले करेंगे ये हम चेक कर लेते हैं, राइट? तो जो गाना मुझे नजर आया है, चलें हम ये वाला सुन लेते हैं, वैसे सुना तो है बट सुन लेते हैं फिलहाल। सो आपने कहीं नहीं जाना, ठीक है ना, और हम भी कहीं नहीं जाएंगे, गाने के साथ ही हम भी गाना सुनेंगे, आप भी गाना सुने और वापस आते हैं इस गाने के बाद, ठीक है ना? आपने जब तक कहीं नहीं जाना, और हम आपसे क्या कहते हैं कि क्या मतलब समझ जाए भाई, अगर कहीं भी जाएंगे तो पछताएंगे, इतनी सी बात, जाना वाना कहीं नहीं। So, this is my favorite track actually. Stay tuned. Sare raaste jaane lage teri aur door jitna bhi jaaye dil chahe tujhe aur tujhe mile to dil le kahe rehna nahi main bin tere जेड़े भी साढ़े विछोड़े पर उलझा सारे मेरे को लुकाया ना कर अंजमन तू सताया ना कर अज सारे दुख सुख बोलू
ते हस सितारे तेरी राह पे रख दिए भूल के इस जहां को तेरी चाल ही दिए दिल तेरे हो गुजारा नहीं तेरे तो कोई प्यारा नहीं कर दाए गल्ला हर कोई हूं तेरे बारे झूठा नहीं मैं सुनते सही पढ़ा नहीं दिल देते सही आज के दो टॉपिक्स आपको बता दें क्या है आज के दो टॉपिक्स
तो चलें जी आज ना हम आपको बजारते देंगे सही है ना। तो देखिए हर इंसान की कोई ना कोई आदत होती है जो कि मतलब वो आदत अपनी छोड़ नहीं सकता, तो हम उसको उसी की वजारत देंगे राइट। जैसे वजारत है बिरयानी, वजारत है खापा सबसे पहले यही आया, वजारत है गुस्सा। हुआ तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि गुस्से के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है सही है ना। तो वजारत है गुस्सा सही। तो वही अगर आपको वजारत दी जाए कोई, तो आपकी कौन सी ऐसी आदत है जिसकी वजह से आपको उस वजारत का नाम दिया जाएगा, मतलब आप वजीर बन जाएंगे, वजीर गुस्सा। मैंने कहा कि यू नो वजीर बिरयानी, वजीर इंसानी ऐसा तो कुछ होता नहीं है खैर, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपकी ऐसी आदत हो सकती है ना। तो आपने बताना है कि अगर आपकी कोई ऐसी आदत जो बहुत ही कोई आपकी ऐसी खतरनाक आदत है जो आप छोड़ ही नहीं सकते, तो अगर आपको उसकी मिनिस्ट्री दी जाए, आपको उसकी वजारत दी जाए, तो क्या मतलब फनी आंसर होने चाहिए, मजा आएगा, होना क्या चाहिए, वजीर है वॉट या वजारत है, जैसे वजारत खजाना होता है ना, तो भाई आप वजारत खजाना है, वजारत एटीएम है, मतलब जो भी कुछ भी कह सकते हैं ठीक है ना। साथ ही साथ आपने कंप्लीट करनी है एक लाइन विच इज, जिंदगी किराए का घर है। वॉट, जिंदगी किराए का घर है सच में? जिंदगी किराए का घर है। आगे की लाइन आपने कंप्लीट करनी है, आंसर शुड बी वेरी वेरी फनी। ओके, नो सीरियस टॉक इन माय शो, सीरियस बातें तो बहुत हम इधर उधर करते रहते हैं, यहाँ पर हम दो घंटे के लिए जरा अच्छी अच्छी फनी वाली बातें करेंगे राइट। किसी ने लिखा है कि लव यानी कि वजारत मोहब्बत, ओह माय गॉड, в карманах у нас немало, малая смотрит женщина на меня, два ветки сколы, детка моя. चलें जी, आपको बता दिया है हमने, दो टॉपिक्स बता दिए, जरा जल्दी से इस पे बात करनी है, साथ साथ हम देखते हैं क्या चल रहा है दुनिया में, खबरें शबरें बताते हैं आपको। और भाई सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और यकम मार्च से दोबारा पेट्रोल महंगा होने का इंदिया दे दिया गया है एक बार फिर। जैसे कि मैंने कहा था कि देखें अभी तो ये सिर्फ 5 या 6 रुपए बढ़ाए गए, नहीं बल्कि 5-6 नहीं, कितने बढ़ाए गए थे मेरे ख्याल से 12 रुपए बढ़ाए गए राइट, 48 था फिर अब वो हो चुका है कोई 60 राइट, 12 रुपए बढ़ाए गए दोबारा यकम मार्च से, यानी कि आज है 24, एक हफ्ते बाद दोबारा से जो है वो पैसे बढ़ा दिए जाएंगे पेट्रोल पर। और ये सिर्फ ये इंडिया दिया नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा राइट, और ऐसा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की ही नहीं बल्कि हर उस इंसान की तनख्वाह में, उसकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, क्योंकि जब रोज बरोज ऐसे महंगाई होती जाएगी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता चला जाएगा, तो फिर तनख्वाहों में हर किसी की इजाफा होना चाहिए ना। अगर कोई एक मजदूर काम कर रहा है तो उसकी भी डेली वेज में इजाफा होना चाहिए, अगर एक कोई यू नो ऑफिस में काम करने वाला तो उसकी भी सैलरी में इजाफा होना चाहिए, अगर कोई प्योन काम कर रहा है तो उसकी भी सैलरी में इजाफा होना चाहिए राइट। ये नहीं होना चाहिए भाई, प्राइवेटाइजेशन वाले लोग क्या कर रहे हैं भाई, उनको भी चाहिए भाई सबके भाई सैलरीज में इजाफा करें। तो आई गेस के हर हर इदारे में, हर जगह, चाहे वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके घरों में आपकी मेड्स काम कर रही हैं, हर किसी की सैलरी में इजाफा जरूर होना चाहिए, व्हाट आई बिलीव। और साथ साथ और क्या चल रहा है पीएसएल में, क्या चल रहा है भाई, कल का मैच कौन जीता ये भी आप लोग ही बताएंगे। ऑफ कोर्स मैं तो मैच देखते नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे पता नहीं है, आप लोगों ने बताना कि कल वाले मैच का क्या हुआ, हुआ क्या था आखिर। अच्छा चलें जी भाई, आपके स्टार्स की बात करते हैं, बात करेंगे क्वेरीज की, क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको किसी किस्म की नई सरगर्मियों का आगाज करने से एतराज करना चाहिए, क्योंकि कुछ गैर मरे किस्म की रुकावटें सामने आने से आपके लिए मुश्किलात का आगाज हो सकता है, इसलिए अपने आप को
उलझाने से गुरेज करना ही आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे ही नाकाबिल एतमाद हालात की वजह से या कुछ खुफिया रुकावटों की वजह से आपकी मर्जी के मुताबिक अमूर तय ना पा सकेंगे, जिससे आप बेचैनी और इसरा पैदा हो सकता है, जिससे परेशानी का आगाज भी हो जाएगा। आपको ऐसे तमाम मामला को मुलतवी कर देना चाहिए कि जिनमें आपकी तवज्जो दरकार होगी, और अपने मसाइल को हल करने के लिए उसके बारे में इंतहाई एहतियात भी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। चैलेंज की बात करेंगे हम पाइसेस की, पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तो आज कुछ नागुजीर हालात की वजह से आप बहुत ज्यादा हसास हो सकते हैं, कि जिसकी वजह से आप में बेचैनी और जहनी इंतशार पैदा हो सकता है। ऐसे लम्हात में किसी किस्म के अहम फैसले करने से भी आपको हर हाल में गुरेज करना चाहिए, क्योंकि उसके असरात से बेहतर आपको जो है वो ज्यादा तकलीफ होगी। बेहतर तो ना होंगे उसके असरात इतने, लेकिन मुमकिन तौर पर सब जो है वो बदल होकर आप तन्हाई का शिकार भी हो जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो उसके असरात अपने ऊपर मुरतब होने नहीं देने। तो अपने आपको दूसरों के साथ किसी भी किस्म की बहस मुबाहे से बचाने की कोशिश करें, और उसके अलावा किसी तरह के झगड़े में भी मुलव्वस होने से बचें। कुछ अफराद आपकी दिलजोई करने में आपका दिल मजीद जख्मी करने का बाइस बन सकते हैं। बात करेंगे एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो आज अपने आपको किसी भी इख्तलाफी नुक्ता नजर से दूर रखें, और किसी बहस मुबाहे में हिस्सा ना लें, वरना अपने आपको जज्बाती से बचाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा घर में पैदा होने वाली मामूली किस्म की बातों पर अपना शदीद रद्दअमल जाहिर ना करें, और उन्हें मुकम्मल इत्मीनान और सुकून से हल करने की कोशिश करें। आपकी ऐसी सरगर्मियों में सबसे बड़ा हिस्सा आपकी नर्म मिजाजी और नर्म अल्फाज का हो सकता है, कि जिससे आप काम लेकर अपने तमाम मामलात को पुरसकून बनाने के अलावा किसी बड़ी लड़ाई को भी टाल सकते हैं। आज आपकी माली हालत मजबूत ना होने के बावजूद आपको अपनी सोच को मजबूत रखना बेहतर होगा, क्योंकि उसकी वजह से ही आपको रकम का हुसूल मुमकिन हो जाएगा। तो बात करेंगे टॉरस की, टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो आज सुबह से ही आपको अपनी ऐसी तमाम सरगर्मियों के बारे में मनफी सोचे पैदा होने से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ेपन का एहसास होगा, कि जिनका ताल्लुक आपकी अमलियत पसंदी या फिर माली इस्तेहकाम की मंसूबों से था, और जिनमें आपको भरपूर तवज्जो दरकार थी, लेकिन उनके असरात ने आपको थका दिया और आपकी अमली सलाहियत को भी मफलूज कर दिया। आपको ऐसे हालात में किसी किस्म के अहम फैसले करने से गुरेज करना चाहिए, वरना बहुत सा नुकसान होने से आपको मजीद तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। आपको आज सिर्फ अपने मामूलात को ही अंजाम देना होगा, और अपने आपको पुरसकून करने के लिए मजीद आराम भी करना होगा। इसके बाद ही आप कोई नई मनसूबाबंदी के ताने बाने जोड़ सकते हैं। बात करेंगे जेमिनाई की, जेमिनाई के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। अच्छा जी, आज आपकी अमली सलाहियतें मुनासिब अंदाज में नतीजे मुहैया ना कर सकेंगी, और जिसकी वजह से आप में बहुत ज्यादा बेचैनी और इस्तराबी कैफियत पैदा होने से आपकी कुव्वत बर्दाश्त भी खासी कम हो जाएगी। ऐसे हालात में आपके लिए किसी भी नई सरगर्मी को शुरू करना मुश्किल अमर हो सकता है। आपको आज किसी भी नए मुहैदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत नहीं करने चाहिए, और ना ही किसी किस्म के अहम फैसलों का अमली तौर पर नाफिज करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए बात यहीं पर खत्म ना होगी, बल्कि अपने माली मामलात पर मुशावरत करते वक्त आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहस भी हो सकती है, तलखी भी हो सकती है। सो आपको अपने ख्यालात का वाज़ेह इजहार करने में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है कोई फायदा होगा नहीं आपको। बात करेंगे कैंसेरियंस की, कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपके जज्बाती और एहसासाती दबाव की वजह से आपको हर चीज में कोई ना कोई खामी और कमी नजर आएगी, कि जिसकी बिना पर आप में बेचैनी और इस्तराब भी पैदा हो सकता है। ऐसी कैफियत में इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा नहीं लगता, और हर काम में कोई ना कोई रुकावट पैदा हो जाती है। अपने फराइज की अदायगी में अगर कोई मुश्किल महसूस हो तो अपने पुराने साथी किताबों से उसे हल कर सकेंगे, और बआसानी अपने पेशावराना हदफ को हासिल कर सकेंगे। अपने अंदर किसी किस्म के शकों को शौबात और खदशात के एहसास पैदा करने से गुरेज करें, अपने दोस्तों से मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू करें, ताकि आप तन्हाई के एहसास से बच सकें। ओके चलें जी, बात हो गई आपके स्टार्स की। कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहां कहां से मौजूद है हमारे साथ, किस किस ने अपने अटेंडेंस मार्क करवा दी, कौन है जो अभी तक आया नहीं है, कौन जो ढीड है। ओके अच्छा जी, देखते हैं कौन कौन कहां कहां से मौजूद। सुमर खान खोसा कहते हैं कि गुड मॉर्निंग सिस्टर, आई एम बैक। ओके गुड मॉर्निंग, और साथ साथ फैजी खान हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। रुबीना कहती है टॉपिक ऊपर, जिंदगी किराए का घर है, जो समझे वो हम है और जो ना समझे वो बंदर है। ये क्या बात हुई भाई है। नूरुलैन कहती है कि गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और इमरान करीम कहते हैं कि राज फाश करवाने वाली आप ही, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कौन से राज फाश कर दिए भाई तुम लोगों ने अपने यहाँ पे, कौन से राज बता दिए मुझे, कौन से राज बताए मुझे।
ऐसी बातें करते हो यार तुम लोग आगे। और रूबी ने कहती है यू आर राइट फरहाना फॉर व्हाट। और साथ साथ फैजी खान कहते हैं कि कैसी हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल फैजी मेरे भाई, आप बताइए आप कैसे, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। और इसके अलावा रूबी ने कहती है बिल्कुल सबकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए, है ना, देखिए सही कहा ना मैंने। और रूबी ने कहती है और शौहर आजाद को चाहिए कि बीवियों के घर खर्च में भी ना इजाफा करे वो। हाँ देखा अपनी बात अब लेकर अपनी बात बहुत आ गई। तो सारी सैलरी तो आप नहीं लेनी है रूबीना, तो इजाफा होगा सैलरी में तो सारी सैलरी तो आपने ले लेनी है ना, तो फिर आपने टेंशन किस बात की आपको है। नसीम गुल कहते हैं वजारत सफाई उसकी वजह यह है कि मैं अपने दुकान के दोनों तरफ सफाई का ख्याल रखता हूँ। ठीक हो गया, चले जबरदस्त हो गया। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बच्चों को बिगाड़ने वाली आरजे। वालेकुम अस्सलाम, मैंने कौन से बच्चों को बिगाड़ा जरा बताइए, मैं तो सुधार देती हूँ बच्चों को मैं कहाँ बिगाड़ती हूँ। कहते हैं जी हाँ बच्चों, अम्मा अब्बा ने ना इतना अच्छा बच्चा भेजा था आपके पास और आपने ना उस बच्चे को बिगाड़ डाला। हाँ नहीं तो कौन सा बच्चा बिगाड़ दिया भाई, मैंने सारे बच्चे देखे, जो भी बच्चे आज तक मेरे पास पढ़ने आए या वैसे ही बच्चों से अगर मेरा इंटरेक्शन हुआ ना, सारे बच्चे सुधर के गए मेरे पास। सालों पहले पढ़ाया था आज तक डरते चेक करें बस आप। और साथ साथ काशी वाली वाली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। नमान खान कहते हैं ग्रेट शो, थैंक यू सो मच। कामरान शाह कहते हैं वजारत हलीम, ओके। और साथ साथ काशी वाली वाली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खुश आमदीद आपको बहुत सी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ जाहिद आकाश कहते हैं गुड मॉर्निंग आप भी जान, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। और इसके अलावा काशी वाली वाली कहते हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। फैजी खान कहते हैं पानी पी लो आरजे फरहाना बेटा, नए हो पहली बार आए हो मुझे लग रहा है शो में, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। और नमान खान कहते हैं आपकी पूरी टीम को सलाम और आपको भी वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया। मसूद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे सईदा फरहाना अली, मिस्री की लहजा तेरा मधुर है, आवाज खूबसूरत, तू है वफा की देवी, तू है वफा की है, अच्छा हवा की तू है, हवा की तू है बेटी, जहरा का अक्स तुझ में, हमको तू दे दुआएं इसकी बड़ी जरूरत है, तू है वफा की देवी, तू है वफा की मूरत, ओके। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह कहते मैम हम की आवाजों अंदाज पे हैं किस कदर दीवाने हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं। अच्छा कह रहे हैं हम आपकी आवाज और अंदाज पर किस कदर दीवाने आपको पता ही नहीं है, नहीं तो बताए ना मुझे मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा। तो जब तक मुझे बताएंगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा मसूद साहब ओके चैलेंज जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। जाहिद आकाश कहते हैं कैसी हो आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद आकाश मेरे भाई आप बताइए आप कैसे, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। आबिद भी कहते हैं ना पूछें फरी, एक वक्त तो ऐसा था कि जीत लाहौर कलंदर की दहलीज पर बहुत, बट वही हुआ जिसका डर था। मुल्तान ने बताया कि क्योंकि कहते हैं कि उसे सुल्तान लाहौर के हाथों से जीत छीन कर क्या कह रहे थे, कमेंट स्क्रॉल ही हो गया। रुबीना कहते हैं गुड मॉर्निंग फरहाना जी, कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए रुबीना आप कैसी हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं। नवान खान कहते हैं मैं तो हमेशा आपके साथ हूं, क्या बात है मेरे भाई, बस शो में साथ रहना, ठीक हो गया। साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं अगर किसी इंसान को आपकी तरह कामयाबी नहीं मिलती तो उसे बेवकूफ मत समझना, कुछ फैसले किस्मत के भी होते हैं, जो बात है। और जाहिद आकाश कहते हैं अभी कल हम फिर जीत गए, ये मुल्तान सुल्तान जिंदाबाद, अच्छा मुल्तान से, अरे वाह क्या बात है। शायद हसन खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मैं तौफीक जिस्कानी, ओके ठीक हो गया, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और रूसा खान कहते हैं जिंदगी किराए का घर है, पैसे फिर भी नहीं देते, फ्री में जी रहे हैं लड़की ने कहा कि पसूड़ी गाना अच्छा है, चलो मैं प्ले करूंगी इसको 10 बजे के बाद। काशी वाली वाली कहते हैं कि मैं भी आ गया हूँ, चले जबरदस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, खेल कहते हैं नाइस शो। और साथ साथ फौजिया कैसर कहते हैं कि हाजिरी लगा लो, फौजिया कैसर कड़ाही से हैं, कड़ाही से ये क्या बात हुई। और साथ साथ जैन बाबा कहते हैं सलाम फरहाना बाजी, क्या हाल हैं जनाब, वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, आप बताइए मेरे भाई आप कैसे, आप ठीक हैं, खैरियत से। फरहाना कामरान कहते हैं कि बंदे को गायब करने के लिए एडवाइस दे दो, खुदा का खौफ करें, ऐसी एडवाइस हमसे मत मांगा करें हम अच्छे अच्छे काम करते हैं।
हाँ और नहीं तो क्या। राशि वाली मलिक कहते हैं, हमें मालूम है कि हम भूले नहीं कि आप बच्चों को आंखें दिखाकर डराती हैं। मैंने कब बोला कि मैं आंखें डरा के आंखें दिखाकर डराती हूँ? बिला वजह काशी वाली मलिक अपनी तरफ से। और साथ दुरुस्त खान कहती है, आप ही हसन नवाब खान न्यू है तो उनको आपके शो का नहीं पता, आज उनकी इज्जत ना करना। चलो ठीक है, कौन है भाई ये? मैंने तो अभी तक ये कमेंट भी नहीं पढ़ा। और दया पंचानी कहते हैं, हाय स्वीट आरजे, हाउ आर यू? हम आपको थर में सुन रहे हैं, शो बहुत अच्छा जा रहा है, प्लीज प्लीज प्ले। तो ही है फ्रॉम द मूवी फ्रॉम वॉट। ओके चले जी, बॉशर के साथ साथ अहसन खान कहते हैं, तौफीक जसकानी कराची से, कराची मारीपुर से। अच्छा कहते हैं कि शो सुन रहा, क्या बात है, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। सबा अली राजपूत आ गई है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ये कौन सी वाली सभा है? सभा वही वाली सभा हो तुम, सभा राजपूत वाली या कोई और सी सभा हो? ये तो एक रवि यूनिवर्सिटी वाली सभा लग रही है। अच्छा जी कहते हैं जिंदगी किराए का घर है और एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ओके राना कामरान कहते हैं, आज ईमान की तबीयत खराब है, चैलेंज अल्लाह ताला ईमान को मुकम्मल तौर पर सहतियाबी तक फरमाए और उनको ठीक कर दे, आमीन। स्वामी ने इब्राहिम मुगल कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अभी क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल, थैंक यू सो मच। साथ साथ गदाय मुस्तफा कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आदाब तस्लीमात मोहतरमा सैयदा फरहान अली साहिबा, बज़्म में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, फरहान अली साहिबा, हम अल्लाह के फजल से PSL फाइनल में पहुंचेंगे, पहुंच गए हैं, चले माशाल्लाह, क्या बात है भाई, बहुत सारी दुआएं एंड गुड लक फॉर द टीम। कहते हैं कि दुआ फरमाए, ट्रॉफी नाम हो जाए तो गेट नंबर 6 बिरयानी की देख तकसीम की जाएगी इंशाल्लाह, सही बताए। चले ये तो अच्छी बात है, चले हम दुआ करते हैं कि भाई जीत जाए भाई मुल्तान सुल्तान। इब्राहिम मुगल कहते हैं, नाइस शो, नहीं बिरयानी कौन सी हमने खानी है, वह गेट पे तकसीम होगी। सो साथ साथ सबाली राजपूत कहती हैं, कैसी हैं आप सिस्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और रुबीना कहती हैं, वजारत बिरयानी फरहाना वो काफी मशहूर हो गया है, वजारत काली बिरयानी बोलो रुबीना, बहुत मशहूर हो गया, देखो मेरे शो में जो भी आता है ना वो मशहूर ही हो जाता है। अच्छा जी, मोहम्मद फैजल कहते हैं कि मेरी आबी आपका शो सुन रही है, वेलकम कहते हैं, आप ही करें, आप ही का नाम तो बता दे। चले जी, आबी किसकी आबी है? फैसल की आबी, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। और मरियम मुमैमा खान कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है मरियम, कैसी हो लड़की, ठीक हो, खैरियत से हो? और इसके अलावा अली रजा यानी कि आमना आ गई, आमना कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा सैयदा फरहान अली, आप भी जान। वालेकुम अस्सलाम कहती हैं, सलाम टू ऑल लिसनर्स को मेरी तरफ से, अभी घर में जो है वो गेस्ट आ रहे हैं इसलिए कम मैं शेयर हो सकती हूँ, हैं हो सकूंगी, ऐसे शामिल हो सकूंगी लिखा होगा। कह रही है अभी टॉपिक का जवाब है, मेरी जिंदगी किराए का घर है, समझाएं क्या, समझ जाओ दोस्तों, बोंगे मारो, क्या पता जिंदगी के मोड़ पर साथ छोड़ दो, छोड़ दे बस बोंगे मारो। ओके मरियम कहती है, क्या हाल है अभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम, आप बताइए आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? और साजिद खान कहते हैं, क्या सलाम वालेकुम, सब खैर अभी? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इब्राहिम मुगल कहते हैं, काली बिरयानी वाली अभी, आपने कभी काला जर्दा बनाया है? चलो बताओ रुबीना। और उर्सा खान कहती है, वजारत मासूमियत, वजारत मासूमियत। अच्छा सही है। और साथ साथ साजिद खान आफरीदी कहते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और हमने कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, आप भी जाना अटेंडेंस प्लीज, अटेंडेंस लगा दी है इमरान करीम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं तमाम सुनने वालों को भी सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप कहते हैं टॉपिक पर, मुझे कोई वजारत मिली ना तो वो होगी वजारत फन और मस्ती, पिकनिक घूमे और लाइव एंजॉय करें, खर्चा क्या कहना, खर्चा ना सरकार उड़ाएगी कैसा। सही है ठीक है। और सरकार कहती है, अभी देखा अभी शहजाद भाई आएंगे, अगर आपने अली सेठी का सॉन्ग प्ले किया तो। नहीं मैं तो प्ले करूंगा, मैंने पहले ही लाइन अप किया था बट मैंने सोचा कि पता नहीं कैसा गाना होगा क्योंकि मैंने गाना सुना ही नहीं है, मजे की बात ही कि सुना ही नहीं है, तो देखने में मुझे नाम से इतना अजीब लग रहा है लेकिन इतना लोग कवर गा रहे हैं भाई उस गाने के, लेट्स सी कि आज कैसा होता है वो गाना। मुन्नी कहती है, विजारत शौकियां शरारतें और मुस्कुराहटें, क्या बात है मुन्नी, जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा अच्छा
जी, इसके अलावा और कौन सा? सानिया कहती है कि अस्सलाम वालेकुम आबी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया आप बताइए, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं, खैरियत हैं? कहती है गुड मॉर्निंग आबी, गुड मॉर्निंग। और साथ ही साथ फौजे कैसे कहती है, कराची से जबरदस्त हो गया। और अच्छा, कराची से लिखा था, मैंने कहा है कड़ाही से क्यों लिखा है। हसन भट्टी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहाना सिस्टर, आई एम योर साइलेंट लिसनर फ्रॉम कराची, ऑसम शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हसन मेरे भाई। और साथ ही साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि आपने खुद ही कहा था कि अगर कोई बच्चा मेरे घर पर मेरी चीजों को छुए तो मैं उसे आंखें दिखाती हूँ, तो खुद ही चला जाता है। हाँ, वो मेहमान वाले बच्चे होते हैं ना। आप उनको कुछ कह नहीं सकते। साजिद खान कहते हैं कि घरों से सुनते हैं, क्या बात है। और इसके अलावा जैन बाबा कहते हैं बाजी फरहाना मैं ठीक हूँ और आपका आपको ना मिस करता हूँ मैं बाजी। हैं मुझे क्यों मिस करते हो भाई, मैं तो रोजाना आती हूँ। और साथ ही साथ सबा कहती है कि हम दो सबा थे पहले, दोनों आपको सुनते थे, पर दूसरी सबा पता नहीं है। ओके ठीक है। और उषा खान कहती है नहीं, आप ही दुआ करें इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाए। क्यों भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड क्यों जीते? ऐसा क्या इस्लामाबाद ने ऐसा क्या किया है? नहीं, इस्लामाबाद से तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है, नहीं बताओ। तुम तो इस्लामाबाद की हो ही नहीं, तो इस्लामाबाद की बातें क्यों कर रही हो तुम? इस्लामाबाद को क्यों सपोर्ट कर रही हो मुझे बताओ, पहली बात तो ये। और साथ साथ सज्जाद हुसैन वाले कहते हैं, यानी कि अंकल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी शहजादी बेटी। तो माशाल्लाह बेहतरीन अखलाक किरदार और बिगड़े लोगों को बेहतरीन खुराक अता करती हैं। कहते हैं बेटा जी आपकी हसीन वजह खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, लबाग आपको हमेशा खुश और सलामत रखे और इज्जत आफियत सेहत बरकत वाली कामिल ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन सामीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मरियम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। रुबीना नईम आ गई, कितनी रुबीना हो गई है भाई, एक और रुबीना आ गई है। कहते हैं गुड मॉर्निंग फरहान अली, गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आवेदन कहते हैं वाह वरी, कल तो आपके पीएम ने रूस में अपने कामयाबी के झंडे गाड़ लिए हैं और तो और कौमी तराना भी। हाँ भाई क्या बात है, जबरदस्त हो गया। और बिल्कुल जी, मैंने देखा वो। और साथ साथ मनी मनी कहती हैं, आप ही अबू कह रहे हैं कि जिंदगी किराए का घर है और डूब के जाना है, डूब के जा रहे हैं। ओके अच्छा जी, राणा कामरान कहते हैं कि बंदे को गायब करना हो तो कुछ पैसे दे दो, बंदा आपको नजर ही नहीं आएगा। अच्छा उस बंदे को पैसे दे दो, अच्छा ठीक है। ये क्या बात हुई, मतलब समझ नहीं आई मुझे। रिजवान राहिला वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये राहिला रिजवान है, ये रिजवान राहिला है, अब समझ नहीं आता मुझे क्योंकि उर्दू में नाम लिखा। रुबीना कहती है हाँ बन जाएगा काला जर्दा, कोई मुश्किल नहीं है, आप खाने वाले बनो बस। ओके। और साथ साथ नूरुलैन कहती है कि जिंदगी किराए का घर है और इस घर के हम मालिक मकान है। अच्छा ठीक है। आजम आजम कहती है सलाम, नहीं सॉरी कहते हैं सलाम अभी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेल। सानिया कहती हैं अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फौजिया कैसर कहती हैं कि जिंदगी किराए का घर है और हम उसके किराएदार हैं, सिंपल। नहीं दिस इज नॉट सिंपल ना, कुछ इंटरेस्टिंग बताएं। मासूस साहब कहते हैं कि टॉपिक टू पर मेरी पसंद की वजारत होगी वजारत खवातीन है, खवातीन वजारत खवातीन। अच्छा चले ठीक हो गया। सारी कहती हैं अभी मैं वजारत केयरिंग लविंग एंड क्यूटनेस। अच्छा ये चल रहा है, सही है भाई सही है। अच्छा जी आप देख रहे थे फरी फरी एक ट्रैक है, क्या है तैमूर के नाम, नन्हे तैमूर के नाम, नाना के नाम, अच्छा तैमूर के नाम कहते हैं रुबीना की मुश्क के नाम और मेरी दुआ महानूर रहानी हमना और उबैद रजा और शो के बच्चों के नाम चांद सा मुखड़ा प्ले कर दें, चले प्ले कर देंगे। और साथ साथ रुबीना कहती हैं कि फराज भाई कहाँ हैं, क्या बात है? अच्छा जी ठीक है। नहीं उनको पता ना उनके पिटाई लगने का खतरा, उनका उनके बॉस जो है ना उनके काम नहीं करते, तुम क्या करते हो ये है फेसबुक इस्तेमाल करते हो। ये बात है। मरियम कहती है हाँ हम भी ना मेहमान बच्चों को ना ऐसे आंखें दिखाते हैं, है ना मरियम?
मेहमानों को कुछ कह नहीं सकते ना, बच्चे मतलब मेहमान रहमत होते हैं उनके बच्चों को आप कुछ कह नहीं सकते। तो साथ साथ मोहम्मद नकी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सैयदा फरहाना अली, आपकी तबीयत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और आजम कहते हैं अभी मुझे वजारत है वजारत मिली तो मैं ना आपका शो 7 दिन करता हूँ। ये तो मैंने बोला नहीं कि आप क्या करते हैं, ये पूछे कि कौन सी वजारत मिलती है आपको आपकी आदत की वजह से। तो मेरा दिन 5, जो मेरा शो है 5 दिन काफी ही है, क्या तुम 7 दिन, 2 दिन की छुट्टी होना चाहिए, जरूरी है ये, वरना आप लोग मुझे मिस कैसे करेंगे। और साथ साथ आदमी कहते हैं अरे 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 वेट करें, लाहौर के पास एक चांस और है, दिल कह रहा है कि लाहौर जीतेगा ये BSL। ओके और लेट्स सी के जो है वो हम जल्दी जी टाइम चेक की जाने जाते हैं। जी जैन बाबा कहते हैं कि बस 2 घंटे के लिए आती हैं, बस तभी मिस करना पड़ता है। आप प्यारी अभी वराना बाजी ना करो, 2 घंटे के लिए तो फिर क्या हो गया, मतलब क्या चाह रहे हो, 4 घंटे 6 घंटे शो करूं मैं यहाँ पर, नहीं चाह क्या रहे बता दो। 2 घंटे शो काफी है भाई। और मुकेश कुमार वालेकुम अस्सलाम कहते हैं नाइस शो, मैं भी आपको सुन रहा हूँ शेरशाह से, मेरे दोस्त आपका शो सुन रहे हैं शंकर लाल और सूरज कुमार, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और गदाय मुस्तफा इनके रमजान मलिक साहब कहते हैं फरहान अली साहिबा 3 मार्च को हम अपने जन्मदिन का केक काट रहे हैं, 3 मार्च का स्टार क्या होगा, कम से कम अपने स्टार का तो पता होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल क्यों नहीं। और अच्छा जी 3 मार्च का जो स्टार है वो होपफुली के पाइसिस होगा, पाइसिस ही है जी, आपका स्टार पाइसिस है। रूसा खान कहती है अभी मैं 2016 से ना इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रही हूँ, बस कर दो, कह रहे उसमें शादाब खान भी है और ना, अच्छा ठीक है। हद यार। और मरियम कहती है कि ये वाली रुबीना नहीं मेरी मदर हैं, अरे वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया भाई। मरियम की अम्मी जो है वो रुबीना आंटी, क्या हाल है आप, कैसी आप, ठीक हैं, खैरियत हैं, क्या बात है भाई। अम्मी अभी आप फेसबुक पर आ गए ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आमना कहती है वजारत डायलॉग अर्श दिल पर कभी आंख पे बैठेंगे बिठाएंगे, आओ आप अगर कभी रूठेंगे तो मनाएंगे। ओके तानी कहती हैं कि भाई बॉस उनके सर में ना डंडे लेकर खड़े हैं कि इसलिए ना वो बेचारे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं फराज भाई। कामरान शाह कहते हैं वजारत ZDFM 98.2 बेटा ये तुम्हारी आदत नहीं है, मैंने ख्वाहिशात नहीं पूछा, मैंने पूछा है कि आदत की वजह से वजारत बताएं, ये नहीं बताया कि आपकी क्या ख्वाहिशात, अपनी ख्वाहिशात के हवाले से आप बताएं वजारत कौन सी मिलनी चाहिए। चलें जी काम करते हैं, повестки с головы, детка моя. И с клуба ночью на машине тебя заберу. И не сказав родителям на... हम सुनते हैं एक गाना। काशी वाली वाले कहते हैं टॉपिक पर जवाब है जिंदगी किराए का घर है तो ससुराल भी जाना पड़ेगा। ओके ठीक है भाई। और चलें जी गाना ये हम जरा सुन लेते हैं जो हमने कहा था भाई, कौन सा गाना था, कहाँ गया वो गाना, पसूड़ी। पसूड़ी प्ले करते हैं और वापस आएंगे उसके बाद, सही है। हाँ तो भाई कहाँ है पसूड़ी, पता नहीं कैसा अजीब सा नाम है। ओके ठीक है, आई हैव टू सर्च इट। ओके चले लेट्स सी। अच्छा जी चलें जी ये सुन लेते हैं गाना, देखते हैं कैसा गाना है और वापस आएंगे इसके बाद। आपने जब तक कहीं नहीं जाना और हम आपसे क्या कहते हैं, हम इतनी छोटी सी बात आपसे कहते हैं, कब से समझा रहे हैं ना, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे चंद सेकंड के लिए भी आप कहीं चले जाएंगे हमारे शो से इतना कुछ मिस करेंगे, हम नहीं चाहते आप पछताएं, हम नहीं चाहते आप मिस करें, वैसे मिस करें, मिस ना कर दें कहीं। स्टे ट्यून्ड, लावा मजबूरी नू आ
बन जान ती पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पे जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे मामा क्यों दी चूरी नू रावाच बावाच ओनू लुकावा कोई मनू ना रोके मेरे डोल जुदाईया दी तेनू खबर कि मैं होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बनिया बनाईया दी गल बात कि मैं होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आन सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा ते सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू सारी मैं जावा मैं तेनू बुलाव गल सारी ता होवे मेरे ढोल जदाईया दी तेनू खबर के करेंगे 03213660303 नंबर टू कॉल तमाम लोग कॉल कर सकते हैं कॉल्स होंगी सिर्फ और सिर्फ दो मिनट की टॉपिक पर बात करें और कोई बात ना करें कॉल ड्रॉप हो जाएगी सही है ना सो चलें जी लेट्स सी कि द वेरी फर्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ लाइन पर एंड अस्सलाम वो कॉल ड्रॉप हो चुकी है भाई क्या हो गया चलें जी खैर है भाई जिसकी भी कॉल थी हम क्या कर सकते हैं लेट्स सी कि कौन है नेक्स्ट कॉलर एंड अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप बताइए आप कैसे आप ठीक हैं खैरियत से हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है ये जो है ये मोहब्बत सही बात है और सर एक ही करे आजकल जब आप शो कर रहे हो आजकल माशाल्लाह उर्दू भी बहुत ज्यादा क्लियर है क्या और आप माशाल्लाह जब उर्दू भी माशाल्लाह आपका बहुत ज्यादा क्लियर है अच्छा साफ है उर्दू उर्दू तो मेरी साफ नहीं होगी उर्दू मेरी साफ नहीं होगी तो फिर किसकी साफ होगी अच्छा एक दूसरा बात है हाँ जी सर एक ही करे वो तकरीबन आप
दिन पे दिन आपके शो का फर्क पड़ता है, आपके शो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चलें, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। कोशिश यही है कि हम अच्छे से अच्छा शो करें। हाँ जी, आप बिल्कुल, ये अरबी के बैकग्राउंड जब आप यूज करें इसके साथ बहुत अच्छा सूट कर रहे हैं आपकी आवाज। तो ये कौन सा वाला, वो वाला दिक्कत यूज किया करो, कौन सा वाला? और ये अरबी का बैकग्राउंड जब आप चलाते हो, हाँ अच्छा वो वाला, हाँ वो बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज के साथ। सही हो गया, ठीक हो गया, चले जबरदस्त हो गया। तो साथी क्या लिस्ट में ये क्या सर, हमारा सबसे बुरी आदत ये है तकरीबन हम 20 मिनट के बाद 25 मिनट के बाद हम चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, वजारत है चाय आपको मिलनी चाहिए। हाँ, रात में 12 बजे भी बजे वजारत है, कहे बचा है। सही है, ठीक है। और भाई हमारे चाय की एक बहुत बुरी आदत है। हाँ, सही है। दूसरा जो हमारे साथ बुरी आदत ये हुआ कि मैं कहता हूँ या चाय पीता हूँ, मैं मोबाइल पे लगे लगता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो। और दूसरा, जिंदगी किराए का घर है? जिंदगी किराए में किसी का घर नहीं होता, बेवफा जिंदगी। अच्छा, बेवफा जिंदगी है, चलो ठीक हो गया। चले, अब तो ब्याह लगेगा, खुश रहिएगा। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। ओके, चलें जी, आपके स्टार्स की बात करेंगे, साथ साथ कॉल्स को भी शामिल करेंगे। और नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर, फिर मैं आपके स्टार्स की बात करती हूँ। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है काशिफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाक के एहसान, उसकी रहमतें, बरकतें, नेमतें सब साथ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी। पहले तो मैं एक बात बताऊं ना, जैसे हमारी शादी है ना, तो हमारी शादी तकरीबन 5 जोड़े बन रहे हैं इसमें ना। अच्छा। हाँ, जैसे तो हमारे घर से जाएंगी बरातें, जो हमारी साली है दो बराते उनके घर से जाएंगी, सही हो गया। और जो साली के जेठ है उनकी जहाँ जाएगी ना, उनके घर पे भी 2 शादियां हैं। वाह जबरदस्त भाई, क्या बात है। और उनके जो आगे जाएगी ना, उनके भी 2 शादियां सही है। और उनसे जो आगे जाएंगे उनकी भी 2 शादियां हैं। उससे आगे नहीं है ना, उससे आगे सही है, ठीक है। यहाँ तक क्या तो मालूम होता है ना, उससे आगे तो रिश्ते समझ में नहीं आते ना। सही है, ठीक है। कहाँ से क्या अटैच होता है ना। सही है। तो ऐसे करके बड़े मजे आ रहे हैं अभी तो फिलहाल तो। अच्छा, अभी इंशाल्लाह आज जाएंगे अपनी शॉपिंग के लिए। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। शॉपिंग नहीं करी, बस शेरवानी लेकर आए थे। अच्छा, बाकी आज जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, जबरदस्त हो गया भाई, अल्लाह ताला खुश रखे और आपका नसीब भी अच्छा करे। जज़ाकअल्लाह, दुआएं कीजिएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, बहुत दुआएं आपके लिए, परेशान नहीं हो आप। नहीं नहीं, सारों के लिए ना, ताकि सारों के अच्छे हो। सबके लिए दुआएं जो भी है ना, जितने भी है सारे आपके अच्छे गुजरे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बाकी सब सुनने वालों के लिए दुआएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह आपका शो सुनना। बहुत शुक्रिया। 2-4 दिन छुट्टियां हो जाए तो उसके लिए माजरत, नहीं गुना मिलेगा आपको उसके लिए। नहीं, वहाँ सवाब के लिए जा रहे हैं ना। चले, सही है। एक दो कमेंट्स इंशाल्लाह लाजमी। चले, जरूर, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। ओके, अच्छा जी, बैक टू बैक कॉल आ रही है, मैं एक मजीद कॉल को शामिल करती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपके स्टार्स की बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राना इमरान मेरे भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं ठीक ठाक। क्या बात है, जबरदस्त। पहले तो आपका मैसेज आपको दे दूं, मैं भट्टी साहब से मेरी बात हुई थी जी जी कल, तो उनकी तबीयत के बारे में पूछा था, तो माशाल्लाह ठीक ठाक है। चले, अल्लाह का शुक्र है। तो कहा था मैंने, आप कॉल पे नहीं आ रहे, तो कह रहा था यार 2 मिनट की कॉल है तो फरहाना अली को बोलना कि 1 मिनट तो हमें स्टार्ट होने में लग जाए, तो 2 मिनट कैसे पूरे करेंगे। बोले कोशिश कर लेना, कोशिश कर ले। तो कह रहा हमारी बात ही पूरी नहीं होगी, तो बोलता फिर कॉल करने का क्या फायदा। अरे ऐसे ना करे। बोला चलो ठीक है भाई, आपका मैसेज दे दूंगा मैं फरहाना सिस्टर को। चले, तो ये बात थी। और बाकी आपका टॉपिक पहला तो मैंने नहीं सुना, टॉपिक सुना मैंने, पहला टॉपिक भी आपने। हाँ, वजारत है, कौन सी वजारत मिलनी चाहिए आपको? वजारत तो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं जब खाना खाता हूँ ना, रोटी जो है बगैर देसी घी के मैं खाता नहीं, और लस्सी के बगैर मत बिल्कुल भी नहीं खाता। अच्छा, अरे वाह। और देसी घी वाली रोटी खाता और लस्सी लाजमी पीता हूँ मैं साथ, मुझे यही वजारत मिलनी चाहिए। सही है। जिंदगी जो है वो किराए का घर है। अच्छा,
एक ना एक दिन तो अपने हकीकी घर जाना ही पड़ेगा ना। सही बात, अपना जो जाती घर है वो तो आखिरत है ना। बिल्कुल ठीक हो गया। तो बाकी तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बात। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपका जो शो है ना कुछ दिन पहले तो शुगर फ्रोनी आपने प्ले ही नहीं किया था। हाँ वो एक दो दिन मैं भूल गई थी। दियोग के बगैर और ये रफ्ता रफ्ता के बगैर तो बिल्कुल शो ठीक नहीं लगता। बाकी परोसा तो बेचा गुस्सा लगा तो लगता है। सही है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अपना ख्याल रखना जरूर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके ठीक हो गया भाई, क्या बात है, जबरदस्त हो गया ये तो। और मतलब गाने जो हैं वो आई गेस पहचान बन गए कुछ गाने मेरे शो की, तो क्या बात है। रफ्ता रफ्ता प्ले करते हैं, शुगर एंड ब्राउनी चल गया है तो अब हम प्ले करेंगे रफ्ता रफ्ता। ओके तो रफ्ता रफ्ता हमने पहले ही लाइनअप कर देते, पता है भाई देखें आप लोग कहेंगे फिर इससे पहले लाइनअप कर देते ना। आ गया रफ्ता रफ्ता। सो चलें जी, अब मैं कॉल्स को ब्रेक देती हूँ और तीन कॉल्स मैंने शामिल कर लिए फिलहाल। अभी जो है वो आपके स्टार्स की बात करते हैं, जो के हैं पहला स्टार, नहीं पहला नहीं मतलब अभी जो अभी का पहला स्टार लियू की बात करते हैं। लियू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज सुबह से ही आपको अपनी जज्बाती बेचैनी और इस तरह पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। अपने बाहिमी मामला को हल करते वक्त गर्म मिजाजी और तल्ख कलामी से काम ना ले वरना लड़ाई के लिए तैयार हैं। अपने मामूलात को अंजाम देते वक्त मुनासिब और मुतमईन अंदाज अख्तियार करें। किसी तरह की जल्दबाजी से काम ना लें और ना ही तसव्वुराती दुनिया को अपने अमली अमूर पर हावी होने दें। गाड़ी चलाते हुए अलर्ट रहें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से अपने आप को बचा सकें। और आज अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के जाती मामलात में दखल अंदाजी ना करें वरना किसी भी किस्म की पेचीदा सूरत हाल जन्म ले सकती है जिसके असरात देर तक आपके साथ रहेंगे। बात करेंगे वर्गों की, वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? आज अपने दोस्तों या प्यारों की वजह से आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि जिसकी वजह से आपको मुस्तकबिल में बहुत सारे फायदे हासिल हो सकेंगे। वैसे भी जब प्यार के मामलात शुरू होंगे तो आप किसी डर और खौफ के बगैर अपनी मर्जी करने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसे मौके पर भी किसी दूसरे की पैरवी करने से बचें, लेकिन अपने फराइज और जिम्मेदारियों से पहलू तही ना करें। मुमकिन तौर पर आप अपने बहुत सारे ख्याल के साथ मुतारिक होना मुश्किल हो जाएगा अकेले, इसलिए अपने मामलात में सुस्ती ना बरतें और तेजी से अपने काम निपटाने की कोशिश करें, मगर ये मद्देनजर रखें कि अपने मौजूदा कामों को तसलसल के साथ जारी रखना ही आपकी असल कामयाबी है। चलें जी कॉलर को शामिल करते हैं, लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है? दादा जी बात कर रहा हूं, नियाज़ अली बलोच जी। क्या हाल है मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जी। क्या कहेंगे टॉपिक पर? टॉपिक में मैं यही कहूंगा तो जिंदगी किराए का घर है, मंजिल सबकी कब्र है। सही है, ठीक हो गया। फनी था ये। और मुझे नींद बहुत आता है। नींद बहुत आती है, वजारत है नींद, नींद बहुत आती है। सही है, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह और सब सुनने वालों को सलाम और आपकी टीम सारी। चलिए जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। तो ख्याल रखिएगा मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, 40 सेकंड में सारी बातें हो गई। ये चीज ऐसा होना चाहिए ना। चलें जी देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम है बहराम खान। सॉरी बहराम खान? बहराम खान नहीं नहीं, बहराम खान। वरियान खान, अच्छा ठीक है जी। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है मेरे भाई? ये तो ठीक है। तूने बताया ना जिंदगी के, पहले तो ये बताया तूने क्या होता है? जिंदगी किराए का घर होता है क्योंकि इंसान कभी मर जाएगा तो जिंदगी किराए का घर हो गया ना। अच्छा सही है, और दूसरा बताए? और अभी मेरे काम है, बाद में कॉल करता हूँ। चले बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मुझे काम है, बाद में कॉल करता हूँ। भाई कॉल की क्यों थी है? चले जी एक और कॉलर को शामिल करते हैं। लेट जी के कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कैसे हो फराना?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सना है। सना कैसी आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। क्या कहेंगी सना? टॉपिक मैंने नहीं सुना है। अच्छा, डायरेक्ट कॉल मिला ली लड़की। हाँ आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब से फोन मिला रही हूँ? कब से मिला रही हो लड़की, कितना टाइम हो गया? दो साल हो गए। सच्ची में? ना करो, 2 साल से कॉल मेरी कॉल नहीं मिली। अच्छी है वाकई में, ऐसे ही है। आप कैसी हो? मैं बहुत प्यारी हूँ, बहुत क्यूट, बहुत मासूम सी। मेरी सब देने आपकी इच्छा सुनती है। अरे वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी मेरी बहन खाना पका रही है, अभी आप शो सुन रही हूँ। अच्छा खाना पका रही है, कौन सा, रात का या दोपहर का? अच्छा। रुबीना है उसका नाम। रुबीना, ओके, कितनी सारी रुबीना हो गई यार, मतलब रुबीना होगी तो लाइन लग गई है हमारे शो में। रुबीना और फहमीदा, सना आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला कि आप मेरा शो सुनते हैं, खाना बनाते हुए शो सुनते हैं, जबरदस्त हो गया। मतलब आप लोग के खाने में ऐसी लज्जत आएगी ना आप, कि आपके घर वाले खाना खाने के बाद ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। भाई कितनी बार पूछोगी आप कैसी हो और कोई बात कर लो। बता देती है, बहुत क्यूट हूँ मैं। अच्छा चलो सही है, अपना ख्याल रखना, सही है सना, आप शो सुने, सही है, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज किया सलाम है। चलें जी एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? अंकल आपके कनीस के अब्बू। कनीस के अब्बू, क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह करा पूरी वाली पूरी बना रहे हैं अंकल आप? पूरी। अच्छा सामने ग्राहक भी खड़े हुए, मान से लाइन लगानी पड़ती है कॉल के लिए। ओहो चलें जबरदस्त हो गया। अच्छा मैं ये कह रहा था, उस दिन भाई ने पूछा था ना जी, ये दुकान कहाँ है पूरी आलू की? जी जी दे रहा हूँ, बोरा पीर तीसरा मार्केट। कौन सी मार्केट? बोरा पीर ओके ठीक है, जामा क्लास के पास है, जामा क्लास के। अच्छा 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 ठीक हो गया सही हो गया। मैं ये अंकल बताते हैं पूरी बनाता हूँ, सही हो गया। कहाँ बनाना? चलो एड्रेस बता। बस चले अंकल, आपकी ना दुकान पे ब्रश लगने वाला है। हाँ, बस माशाल्लाह अल्लाह ताला बस ऐसी आपको कामयाबी अता फरमाए और आपके रिस्क में बरकत भी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अंकल, और कुछ कहना चाहेंगे? कनीस को सलाम कर बेटा, आजकल की लेट जाती है आपके शो पे। ओहो अच्छा, जब भी मैं कहूँगी कनीस क्यों नहीं आ रही है आजकल। चले ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा अंकल, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अच्छा जी ओके, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। बदकिस्मत लड़की है, ये क्या नाम है? भाई कोई इंसान बदकिस्मत नहीं होता, पहली बात तो ये, और इस नाम से ये पता चल रहा है कि आप जो है वो कितनी मायूस कौन है। इतनी मायूसी के नाम ही बदकिस्मत रख लिया, दिस इज नॉट राइट। कभी भी ना जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा वक्त आए ना, आई एम टेलिंग यू कि बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, जैसे अच्छा वक्त कभी नहीं रहता ना, तो हमेशा बुरा वक्त भी गुजर जाता है। तो इतना मायूस नहीं होना चाहिए जिंदगी में कि अपना नाम ही बदकिस्मत रख लिया। भाई अच्छा सा नाम आपकी अम्मी ने रखा होगा ना, वो नाम बताएं क्या नाम है। कह रही है सो स्वीट सिस्टर आपकी आवाज, वाओ बहुत शुक्रिया। और मकसूद काठियो अच्छा काठियो है, कहते हैं सलाम क्यूट बढ़ाना, आज कबूल कर लें, गुड बाय बाय स्वीट, कम हंसा करो, नजर ना लग जाए कहीं आपको। नहीं मुझे नहीं लगती नजर, अल्हम्दुलिल्लाह तू ही तू। आप माशाल्लाह बोल देगा ना आप लोग। कामरान शाह कहते हैं अभी जी आपके शो की वजह से ना रफ्ता रफ्ता सॉन्ग बहुत पसंद है, अब मुझे ये सॉन्ग मैं सुनता हूँ, क्या बात है। आमना कहती है आप भी जान दिल नहीं कर रहा शो से जाने का, गेस्ट आ गए हैं और आई मिस इतनी दफा मिस लिख दिया लड़की ने। जाओ तो कौन कह रहा है शो से जाओ, तक के ना मर जाइए नैना को चुराइए, तक के ना मर जाइए। और साथ ही साथ कहती हैं हाँ जी पढ़ लिया, और अभी तभी कहते हैं चांद सा मुखड़ा क्या हुआ अभी प्ले करेंगे ना, भाई जाते जाते क्या हो गया अभी तभी ना, मैंने कहा था कि प्ले कर देंगे, और ये थोड़ी ना कहा था कि अभी प्ले कर देंगे। जायद आकाश कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, शादी कर
कर लो और एक क्या एक दिन जाना पड़ेगा। राना कामरान कहते हैं जिद्दी जिंदगी किराए का घर है के क्या पता नहीं क्या लिखा है, पता नहीं क्या लिखा, खा भी के गुजरेगा। अच्छा खा भी के गुजारेंगे ये कह रहे हैं, ठीक है भाई ठीक है। और साथ साथ दानी दानी कहते हैं माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया कहते हैं, योर वॉइस इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी कहते हैं कि आपका टॉपिक क्या है, मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा, मेरा दिमाग शो पे काम है, आप दोहरा दें टॉपिक है। शो पे काम क्यों है भाई, आपका दिमाग शो पे ही रखना है। कहा दिन रही थी, वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया। और आज का भी टॉपिक ये भाई आपने बताना है, अगर आपको कोई वजारत दी जाती आपकी आदत की वजह से, किसी भी आदत की वजह से, तो कौन सी वजारत आपको मिलनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट। साथ साथ जिंदगी किराए का घर है, जवाब दें फनी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मजेदार सा होना चाहिए। राणा कामरान कहते हैं आप मेरा आप ही क्या मैंने मरा हुआ मुर्गा चलते हुए देखा है। वाह वाह क्या आपने काम की बात, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने दी है ना मेरे भाई राणा कामरान, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी ये भी कोई ऐसी हो सकती है बात। क्या इन्फॉर्मेशन आपने दी है, क्या आपने काम की बात बताई, क्या नॉलेजेबल नॉलेजेबल बात बताई। पश्मीना वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ मेरा वाली मंगी बहुत शुक्रिया कहते हैं, नाइस। मोहम्मद नकी कहते हैं कि मेरे दोस्त गौहर अली भाई भी आपका शो सुन रहे हैं और उसको वेलकम कहते हैं, चलें जी वेलकम गौहर अली, बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। और साथ साथ मसूद कहते हैं मैम आपके लिसनर कहीं काशी वाली मलिक जितना भी बोलना चाहे ना बोलने दें, क्योंकि मार्च के महीने में ना उनकी बोलती बंद होने वाली है। बस इतना वादा जरूर करवा लेना कि आपके शो से गायब ना हो, आप भी तो हुसैन दो दरिया वाले की तरह। ओके चलिए जी कॉलर को शामिल करते हैं, लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम, कॉल होल्ड पे लगा के बाद चेक करेंगे, कॉल होल्ड पे लगा देंगे। धुआं धुआं जन्नतों का कौन था ये। ओके अच्छा जी अच्छा। और काश बता कहते हैं कि जिंदगी किराए का घर है, हर माह किराया वक्त पे अदा करें और कहीं कहीं घर खाली ना करना पड़ जाए। अच्छा कह रहे कहीं घर खाली ना करना पड़ जाए और दूसरे घर मिले तो अकेले रहना पड़ेगा। ओके सबाली राजपूत कहती है कि हैं बेटा तुम जो ना ये खुद ही हो, ये जो तुम आए हो ना सबाली राजपूत की आईडी से, ये तुम खुद हो। लिखा है कि मोहम्मद अली भाई कहाँ है, तो तुम ये खुद हो बेटा, ये तुम खुद हो। तो ये ड्रामेबाजी ना हमारे साथ नहीं चलेंगे। काशी वाले मैंने कहते हैं गाना तो आदि असलम ने भी इतनी बार नहीं सुना होगा जितनी बार आपने हमें सुना दिया है। अच्छा जी बजमीरा जी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आबी जी कैसी हैं। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। आप भी कहते हैं टॉपिक पर जिंदगी किराए का घर है, दोस्तों जो खिलाना है आज खिला दो यारो, कल किसने देखा है। ओके ठीक है, दो घंटे बहुत होते हैं, इतनी मुश्किल से करते हैं, हाँ ऐसे दुनिया में कहाँ होगा। हम खरी खरी सुनने के लिए पूरी तैयारी के साथ प्लान करके आए हैं, बताएं। ऊर्जा कहती है कि आमना ना आईडी तो वैसे भाई आप यूज करती हैं तो आईडी का नाम चेंज करें। एग्जैक्टली मैं ही आमना को कह रही थी, अच्छा हुआ तुमने भी याद दिलाया ऊर्जा। और साथ साथ चले एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, लड़की के कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। रुबीना की एनर्जी ड्रेन हो गई लगता है कॉल डायल करते करते नंबर पे ना, है ना सारी एनर्जी चलेगी जी। वालेकुम अस्सलाम, ऐसी एनर्जी सारी चलेगी, ऐसी आवाज आ रही है, बीपी लो हो गया लग रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, आप ठीक आ रही है आवाज। हाँ आप ठीक आ रही है, ग्लूकोज भी लीजिएगा आप। हाँ नींबू पानी, तस्वीर आ रही है देखो। नहीं अभी इतना एडवांस सिस्टम नहीं आया ना, तस्वीर नहीं आती अभी फोन पे, ऐसे ऑडियो कॉल पे। हाँ जी आ जाएगा, ये नेट का सब कुछ हो सकता है। अच्छा और बताइए क्या कहेंगी। ये कहूंगी फराना भाजी, जिंदगी एक किराए का घर है, हमारा बच्चा परेशान है, हम खुद परेशान है। अच्छा इमरान खान को कहो कि महंगाई कम करे, वरना लोगों का दम निकल जाएगा। अच्छा सही है, हाँ सही है, ठीक हो गया। और दूसरा और टॉपिक टू क्या था, वो तो मुझे याद नहीं मिल रही था। कौन सी वजारत मिलनी चाहिए आपको, वजारत काली बिरयानी। वजारत काली बिरयानी, हाँ वही सही है। बस ये तो आपका जवाब तो मैं पहले से पता है ना। देखो देखो मतलब मेरे मतलब सवाल भी खुद करो, जवाब भी तुम्हें पता है, फिर भी सवाल कर रहे हैं। क्या बता, हमने का कोई काम की बात बताते हैं आपने, लेकिन फिर आपने वही मतलब वही बात कर दी ना आपने। काली बिरयानी कौन खाता है भाई, सबके सबके मैदे खराब हो जाएंगे। बिरयानी से बढ़के कुछ नहीं है। अच्छा बिरयानी से बस बढ़ के कुछ नहीं है, सही है। लोगों के लिए हाँ अच्छा। और आपके लिए भी तो, आप भी तो बहुत पसंद करती
हाँ मुझे पसंद है बिरयानी, लेकिन वो चिकन बिरयानी होनी चाहिए। हाँ चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी मुझे ही पसंद है। और सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशी आ जाओ कॉल पे। और तमाम अंकल को सबको जो है बहुत ज्यादा खुशामद खुशामदी औरत खुशामद कर रही लोगी। अभी अभी रुक जाए, कॉल ड्रॉप करें, अभी अभी आपको मजाक उड़ाएंगे हम। सही कॉल ड्रॉप हो गई और खुशामद खुशामद करिए सब। ओह माय गॉड। फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। अच्छा जी आरिए हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जिंदगी किराए का घर है सो कब्जा करने की कोशिश ना करें। ओके सारे कहते हैं जिंदगी किराए का घर है, किराया टाइम पर देते रहो वरना मकान से जाना पड़ेगा। ओके और मोहम्मद मोहसिन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोहसिन, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत हैं। और साथ साथ मकसूद काठियो कहते हैं सैयद जानती हैं इसलिए शैतान ज़्यादा परेशान करते हैं तो नज़र लग सकती है। टॉप अच्छा कहते हैं सैयद जानती हैं तो अच्छा ठीक है, अरे कोई मसले वाली बात नहीं। कहते टॉपिक जिंदगी किराए का घर है, आजकल महंगाई की वजह से किराया बढ़ गया है। देखें तो कुछ नहीं होता ना जब आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं ना, और जब आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते ना, सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते ना तो फिर आप बुरा करते नहीं है, तो फिर आपके साथ कभी बुरा होता ही नहीं। बस व्हाट आई बिलीव, सो आई डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग विद एनीवन एंड आई जस्ट डोंट ट्राई टू डू दैट, इतनी सी बात है। चले जी मे बी सेकंड लास्ट कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ, नाम बताइएगा प्लीज। जी मोहम्मद सरफराज अब्बासी। पीर मोहम्मद सरफराज अब्बासी। सरफराज अब्बासी जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी खैरियत, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जी, क्या कहेंगे जी? आपका शोर बहुत अच्छा है, आपकी आवाज भी बड़ी प्यारी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। टॉपिक पर क्या कहेंगे? टॉपिक तो मैं अच्छा वज़ारत वाला तो जी 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 बताया ना। जी जी मुझे वज़ारत उज़्मा पसंद। वज़ारत उज़्मा जी जी उज़्मा की अम्मी ने सुन लिया ना, तो फिर वजारत उज़्मा के बजाय ना आपको ऐसी ऐसी वजारतें मिलेंगी ना, क्या वजारत से हाथ जोड़ लेंगे पाँव जोड़ेंगे, नहीं नहीं बस बस माफी दे दो। और कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? इमरान खान की तरह नहीं ना, ऐसे जैसे आवाम की खिदमत अच्छी तरह। नहीं बताइए, काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, चले और इसके अलावा कुछ कहेंगे? चले बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल है, ठीक है, खुश रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हाफिज। ओके ठीक है भाई, सही है। और मसूद साहब कह रहे हैं कि अगर हम इस्लाम जिंदाबाद कहें तो एक ही जगह ध्यान मरकूज होता है, मगर आपकी दोस्त अंबर जब ये नारा लगाती है ना तो डबल फायदा होता है। उसको उस दिन शॉपिंग का चांस ही मिलने का कह रहे हैं, संभावना है उनकी उनकी शॉपिंग के लिए। अंबर आ जाए नहीं, अंबर कहाँ हो लड़की। और सनी साजिदी कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, हेलो अभी क्या हाल है, मैं आपका सारे लिस्टर हूँ, फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ और एक साल से आपका शो सुन रहा हूँ, वेरी नाइस शो, आप बहुत अच्छी हो। चले जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक साल से आप मेरा शो सुन रहे हैं और कमेंट आपने आज किया। हम तेरे हो गए। रवि रवि कहते हैं, क्या कह रहे थे रवि रवि, ये रवि रवि क्या नाम है भाई? आप अश्मीना कहते हैं जिंदगी किराए का घर है और मुझे चांद पर जाना है। ओके मोहसिन कहते हैं आप एक काम करें, सबकी सैलरी जो है ना 1,00,000 रुपये कर दें, टेंशन ही खत्म। देखो मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं 1,00,000 क्या तुम 10,00,000 कर दूं मैं सैलरी तुम लोगों की। अश्मीना शेख कहते हैं जिंदगी किराए का घर है, हाँ जी बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद फैजान अब्बासी हाय कहते हैं, थैंक यू सो मच। कादिम सैदी कहते हैं वजारत मजहबी अमूर। ओके और फैजान अब्बासी बहुत शुक्रिया कहते हैं गुड मॉर्निंग। सनी कहते हैं कि जिंदगी किराए का घर है, हम सब इससे इसका क्या मुसर्रफ है, मुसर्रफ है, एक दिन सबको छोड़ के जाना है, पता नहीं क्या लिखा है।
और साथ साथ कासिम सईदी कहते हैं, कासिम सईदी कासिम नहीं कासिम सईदी कहते हैं कि जिंदगी किराए का घर है, किराया तो देना पड़ेगा। वाह वाह क्या बात बताइए। खुशी राजपूत कहती है सलाम अभी वालेकुम सलाम। और जायद आकाश कहते हैं कि जान छोड़ दो सब काली बिरयानी की। रूसा कहती है कि अभी 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 भाई से जो उन्होंने सॉन्ग बताया है ना वो प्ले नहीं किया आपने। हाँ वो मैं प्ले करूंगी जाते जाते, चांद सा मुखड़ा ना प्ले कर देंगे, जरा तसल्ली रखो लड़की। ओके अच्छा जी, और साथ साथ हाँ रेडियो पर सुनिएगा क्योंकि ये गाना इसलिए मैंने कहा कि आप जाते जाते प्ले करेंगे। और बदकिस्मत लड़की कहती है सिस्टर मैं आपका शो सुन के पूरे दिन अच्छे मूड में होती हूँ। लड़की पहले अपना नाम चेंज कर लो और अपना नाम तो बताओ। काशिफ अंसारी कहते हैं कि अबा मुझे तो वजारत कवारियात मिलनी चाहिए। वजारत कवारियात ओके कहते हैं कि मेरे भाइयों और सब बहनों को घबराना नहीं है, वजारत तजर्बेकार कवारे के महफूज हाथों में है। ओके कहती है ओ फरहाना क्या हो गया। आमिर कहते हैं कि झूठी खबर देने पर 5 साल की सजा और झूठे वादे करने पर 5 साल की वजारत। मुझे राजपूत कहती है वो आज भी नहीं आए। कौन नहीं आए भाई, किसकी बात कर रहे हैं। और काशिफ अली मलिक कहते हैं मैं इस बात पर 100% एग्री करता हूँ कि अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करते तो अल्लाह पाक भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा, बेशक ऐसा ही है। और इसके अलावा सानिया बहुत शुक्रिया रवि, वालेकुम असलम बहुत शुक्रिया। बशमीना कहती है हाँ जी पढ़ लिया था। काशिफ अंसारी कहते हैं मेरे पास वजारत हाँ ये भी मैंने पढ़ लिया था। मुझसे कहते हैं कि मैम आप काशिफ अली मलिक की शादी पर किस रंग का सूट पहन कर जाएंगी, हमें कैसे पता चलेगा। और आपने वली में खाने के बाद टेबल कवर से पोछा कि नहीं, ये भी नहीं जान पाएंगे क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं होगा। मैं एक बात बताऊं, मैंने कभी आज तक जिंदगी में जो है ना कभी भी मैं किसी भी शादी में गई ना कभी मैंने किसी टेबल कवर से जाकर अपने हाथ साफ नहीं किए। सो ये वाले काम में करती नहीं हूँ। ये ना सो एटिकेट्स मैटर्स अ लॉट यू नो। सो काशिफ अली मलिक कहते हैं आपको पता है कि 23 साल के बाद किसी वजीर आजम ने रूस का दौरा किया है। हाँ जी मुझे पता है। और रवि वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। तुमसे मिली नजर आप तो मेरे कहते हैं टॉपिक पर जिंदगी किराए का घर है, तो कल मोहम्मद फराज से पूछा मैंने कि क्या हाल है वालन, तो क्या सुरीली आवाज में गाना सुना दिया आबिद भाई, तन्हा ही जिएंगे हम जब भी तन्हा मरना है। कह रहे तन्हा ही जी लेंगे हम, देखो फराज का भी किराए का घर है क्या। तो फिर क्या हो गया इसमें, तनहाई वाली क्या बात है। अल्ताफ हुसैन शेख वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया। काशिफ अंसारी कहते हैं कि आबा मैं तो कल चांद देखूंगा। अच्छा। रुबीना कहती है अच्छा जी चलो अब मैं जा रही हूँ, आप और अपना सबका ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। चलें जी बहुत शुक्रिया। सारी कहती है अभी आप कौन सी वजारत संभालेंगी। मैं कौन सी वजारत संभालूंगी, वजारत खुश मिजाजी संभाल लूंगी मैं, सही है ना। साथ साथ अमर रमेश कुमार कदरी कहते हैं कि चने सर गौर से सुनते हैं बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं यस ठीक कहा आपने, मैं तो हमेशा ठीक कहती हूँ। और भी कहती हैं सही बात है। शहजाद अली कहते हैं सलाम वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया। फैजाना अब्बासी कहते हैं आज टाइम नहीं मिला, मैं कल काम में मसरूफ था, जो मैंने गाना बताया था वो आपने लगाया नहीं, मतलब कौन सा गाना बताया था जरा मुझे ये दोबारा याद दिला दें क्योंकि मैं भूल जाती हूँ भाई, आई एम भुलक्कड़। एक लास्ट कॉल को शामिल करते हैं, लेट्स सी लास्ट कॉलर थे ना, नहीं एक कॉल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, नाम बताइएगा, मैं पहचान तो रही हूँ लेकिन बता दो फिर भी। मेरा नाम अरीबा है, मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है आपसे। अरीबा ओके ठीक है, अरीबा आपसे पहली बार बात हो रही है, क्या बात है अरीबा, कितने टाइम से मेरा शो सुन रही है, मुझे लगा शायद आपसे बात हो चुकी पहले। नहीं मैंने आपसे बात पहले भी की है, एक साल हो गए मैं आपका शो सुनती हूँ। अरे वाह क्या बात है अरीबा, क्या करती हैं आप। नहीं बस कुछ नहीं, बस घर का काम वगैरह। घर का काम करती हैं, जबरदस्त हो गया। और क्या कहेंगी, मैंने आपका टॉपिक तो नहीं सुना है, बस अभी घर के काम सारी के लिए मैंने आपको कॉल की है। अच्छा डायरेक्टली कॉल मिलाई लड़की ने जी। अच्छा ठीक हो गया, और कुछ कहना चाहेंगी अरीबा। अच्छा वो मेरी मम्मी बोल रही है नमाज के लिए कोई मतलब रोजी के लिए कोई वजीफा बताओ। कोई वजीफा बताऊं, नमाज पढ़ा करें।
नमाज पर नमाज तो पढ़ती है मगर नमाज के लिए कोई वजीफा बताऊं, नमाज के लिए कोई वजीफा बताऊं या रोजी के लिए वजीफा बताऊं? देखिए मैं कोई नमाज के लिए नहीं, रोजी के लिए, रोजी के लिए। अच्छा तो आप ना सदका दिया करें, सबसे बड़ा वजीफा ये है। अच्छा सही है, ठीक है, सदका दें हर रोज सुबह घर से निकलते वक्त, सदका जरूर दें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह पर भरोसा रखें। ठीक है, सही है। और आपकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपका शो रोज सुनती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा काम करती है, आपको बहुत सवाब मिलेगा इस बात का पता है। चला रीवा, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत। हाँ जी, आप मेरी पसंद का गाना लगाओ ना। कौन सा गाना बताइए? गाना रफ्ता रफ्ता चल रहा है, चल रहा है, सही है। कोई और लगा दो। नहीं, आप रफ्ता रफ्ता सुने ना, वो चल रहा है, सही है। अच्छा सही है, कॉल ड्रॉप हो गई है। ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर, हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। खुशी राजपूत कहती हैं कि तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, तुमसे मिली नजर, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। ओके ठीक है, ठीक हो गया। आसनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। ओके रुबीना कहते हैं गुड बाय बाय बाजी, कल मिलते हैं आपा। ठीक हो गया रुबीना बाजी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अभी तो टाइम है। शहजाद अली कहते हैं आपको बबलू और यासिर सलाम कह रहे हैं चैलेंज जी, बहुत शुक्रिया बबलू और यासिर मेरे भाइयों। सारे कहते हैं वाह अभी हम दोनों के ख्याल कितने मिलते हैं। तू ही कौन सा ख्याल मिला ये तो बताओ। काशिफ अली वाले कहते हैं कि मासूम साहब भाई किसने कहा कि हॉल के अंदर कैमरे नहीं लगे होंगे। तक के और साथ साथ कहती हैं ऑलवेज बी हैप्पी कीप स्माइल इन योर फेस स्वीट सिस्टर। ओके लड़की अपना नाम बता दो। और साथ साथ मासूम साहब कहते हैं कि रवि की मीनिंग इसे हिंदी में सूरज आफ्ताब कहते हैं, जिस तरह मुन्नी है उसे रवि रवि है, रवि रवि है, रावी रावी है, रवि है, अच्छा रवि है। अली अहमद वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं कि हाँ वजारत खुश मिजाजी, लड़की आपको मिलेगी वजारत खड़ूस पन, हाँ आप पर ना वही सूट करेगी बच्चों। कौन सा खड़ूस पन दिखाया मैंने है? खुदा का खौफ करें आपको ना वजारत वजारत पे झूठ मिल जाएगी फिर। फिर भी फेक न्यूज देने वाले। अच्छा जी खुशी राजपूत कहते हैं तुम बिन जिया जाए कैसे, हाँ जी पढ़ लिया था। और जायद आकाश कहते हैं कि बताओ रुबीना अभी चाय पर पीकर जाना पश्मीना बना रही है, अच्छा कह रही बैठो, अच्छा ठीक है। और पश्मीना कहती है जिंदगी, हाँ मैंने पढ़ लिया था। मोहम्मद फैजान कहते हैं अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना ये गाना था, ये वाला गाना पाकिस्तानी नहीं है मेरे भाई, क्या हो गया। शहजाद अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी है आप और आपका शो? अच्छा है, मैं बबलू यासिर और शहजाद सुन रहे, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और काशिफ अली मलिक कहते हैं दूसरे टॉपिक पर जवाब, मुझे लोगों के काम आना बहुत पसंद है, मुझे भी ये वजारत चाहिए। ओके ठीक है, मतलब आप किसी वजारत के बगैर भी काम कर सकते हैं। और आवेदन कहते हैं अरीबा से गुजारिश है कि रिस्क में बरकत के लिए जो है वो अम्मी को चाहिए कि वो अपने वालिदैन के लिए फातिहा और पहले से ज्यादा दुआ करें, इससे रिस्क में बरकत होती है। ओके और अक्सर जो है ना हमारे अपने हमारी अपने कुछ गुनाह होते हैं, व्हाट आई बिलीव के जो हमारे अपने काम होते हैं, जो हमारी अपनी बातें होती हैं, वो भी जो है ना हमारे लिए नुकसान का बाइस बनती है, हमारे लिए तकलीफ का बाइस बन जाती है। तो मतलब वो तमाम मामला भी आपको ठीक रखने चाहिए। देखते हैं कौन है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आ गई और उसे लड़की क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। देखो लास्ट कॉलर मेरे का मिला लेती, क्या पता लग जाए और लग। अब लास्ट कॉलर, देखो यू आर द लकीएस्ट कॉलर टुडे। और बताओ लड़की क्या कहोगी, कैसी हो? बिल्कुल पहले जैसी, पहले जैसी। कमी तो नहीं आई मासूमियत में कुछ? नहीं नहीं इजाफा हो गया है। हाँ मेरा शो सुनते रहोगी ना, इजाफा होता रहेगा तुम्हारी मासूमियत में। जी जी। और क्या कहेंगी? और मैं तो बस ट्राई करने के लिए कॉल किया, और क्या बात है, वैसे जब
दिल कर दे बात करने को, तब तो नहीं लगती लड़की। आज तुम्हारा दिल नहीं कर रहा मुझसे बात करने का, अभी ड्रॉप करती तुम्हारी कॉल, सबर करो। नहीं 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 ऐसी बात नहीं, मतलब वैसे जब मैं खुद कोशिश करती तब तो नहीं मिलती। अच्छा हाँ, और आज मिल गई, तुमने ऐसी ट्राई किया फन में, चलो आज लेट्स ट्राई, है ना? आज फन में ट्राई किया, बस देख मिल गई कॉल, चलो ये तो अच्छी बात है। मेरी अम्मी के लिए आप बहुत सजाए थे, उसे तो दे रही थी तो बस। अरे अरे वो बेड रेस्ट पे चलें, ख्याल करें अपनी अम्मी का, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल तौर पर सहतियाबी अता फरमाए। हम दुआ करते हैं और सदका वगैरह आप जरूर दें, ठीक है? जी बिल्कुल। और कुछ कहेंगी उरुसा? और कुछ कह जाते लेकिन छोड़ दे, कह दो अब, आई हो तो कह दो। नहीं नहीं यहाँ नहीं कह सकती ना, क्यों नहीं कह सकती, ऐसा क्या हो गया? चलो अच्छा लिख दो कमेंट में जाके जल्दी से, सही है? हाँ अभी आ जाएंगी वो इंशाल्लाह आएंगी। और आपको पता ना उनकी वजह से मैं डेली कॉलेज बिना लंच किए जाती। अच्छा, अरे वहाँ जाके मुझे बाहर का खाना पड़ता है, बीमार हो जाती हूँ। ओहो अच्छा, क्योंकि उनका शोषण पसंद टाइम का पता नहीं चलता और ना मैं लंच बना पाती हूँ ना मैं खा पाती हूँ। लंच बना ही नहीं पाती हूँ, और आप फिर घर वाले भी बाहर का खाना खाते हैं? नहीं नहीं वो तो अपने लिए बनाते, लेकिन मुझे तो जाना होता है ना। अच्छा, मैं रुक नहीं सकती। सही हो गया, ठीक हो गया, सही हो गया। Okay, उनको मेरा सलाम है ना? चलें जबरदस्त, वालेकुम उनकी जानिब से, आएंगी तो आपका सलाम पहुंचा दूंगी, ठीक है? मिसेस फारूक को भी दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने कल मुझे कहा। हाँ, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। चलें जबरदस्त हो गया, अंकल के लिए भी, जितने भी मेरे सारे अंकल, तमाम अंकल और आंटी को दिल से सलाम। चलो वालेकुम असलाम, बहुत शुक्रिया, और उसे अपना ख्याल रखना, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज्यादा खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, चलें जी कॉल का टाइम हुआ खत्म। इदरीस खान कहते हैं जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन खुदा के घर जाना पड़ेगा। और लाइब्रेरी की वजारत आपके जनाब से एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल परवाने और शमा के हवाले से सुना था, अगर वो आर्टिकल मुझे मिल जाए तो नवाजिश होगी। शमा और परवाने का आर्टिकल देखिए, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि किसने बात की थी। अब ये आपने सुना था, रिकॉर्डेड रेडियो डॉक्यूमेंट्री सुनी थी आपने, मतलब क्या थोड़ा सा मुझे बताइएगा। साथ साथ मसूद साहब कहते हैं कि आपने मेरी वजारत खुराक होनी चाहिए और मैम आपकी वजारत ना क्या इतलात नशरियात होनी चाहिए, क्योंकि ना हमारा कह रहे फैमिली तभी झगड़ा खत्म हो चुका है, क्या बात है, सही है, ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल। और सानिया कहती हैं कि खुश मिजाज वाले ख्यालात आप ही, अच्छा खुश मिजाजी वाले, ठीक हो गया। नाजी नाज आ गई, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए नाजी आप कैसी हैं? आप ठीक हैं, खैरियत हैं? हुमैर कुरैशी वालेकुम अस्सलाम, और साथ साथ फैजान अब्बासी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं रोज शो सुनता हूँ गाड़ी में चलते फिरते, आज फर्स्ट टाइम कॉमेंट किया, क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। फैजान आबदीन है ये, ओके थैंक यू सो मच भाई, क्या बात है। और लड़की क्या कहती है कि सिस्टर मेरा नाम रहने दे, मैं आपका शो सुनने के साथ काम करती हंसती हूँ, और अम्मी पूछती है कि क्या बात है। नहीं लड़की अपना नाम बताओ, अगर नाम आपका अच्छा खासा है तो बदकिस्मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नाम क्यों रहने दे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है ना, घर याद रहे। Why I'm being filmy? अच्छा जी, आपने मेरी कहते हैं परी हमेशा होता है कि वालदैन की वजह से हमारा नाम होता है, बट यहाँ कनीज के नाम से कनीज के अबू मशहूर हो गए हैं। वैसे परी कहा का एड्रेस दिया था, अंकल की हलवा पूरी जरूर एंजॉय करेंगे, हाँ वो जामा क्लॉथ की तरफ, और पता नहीं कौन सा नाम था, मैं खुद भूल गई हूँ। काशिफ अली हमारे कहते हैं कि हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, हर किसी के पास कैमरा आ गया, और कोई अगर ऐसी हरकतें कर रहा होता ना तो इसकी वीडियो तो कोई तो बना लेता है भाई, देखें कोई नहीं बनाता। नाजी नाज कह रही काफी दिन बाद सुना है मैंने, तो नाजी नाज बहुत गुना मिलेगा, इतने दिनों बाद क्यों सुना तुमने, लड़की क्यों नहीं सुना तुमने। अच्छा जी, साथ साथ कहती हैं कि मैं फैन हूँ आपकी आवाज की, ये लड़की कह रही है, मैं नाम आगे वाला नहीं पढ़ूंगी, सही है, मैं सिर्फ लड़की कहूंगी इसको। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। और मसूद साहब कहते हैं कि और तंगदस्ती दूर करने के लिए या मालिकों का लगातार विर्द करें, करते रहें, ओके ठीक हो गया। साथ साथ काशिफ हुसैन कहते हैं कि कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। पश्मीना बहुत शुक्रिया, पश्मीना ने एक कॉमेंट को इतनी बार पेस्ट कर दिया, लड़की कोई और बात भी बता दो। और साथ साथ मोहम्मद फैजाना बासी कहती है वही उरुसा है जो सिंगर बनना चाहती है, वो सिंगर नहीं बनना चाहती। और साथ साथ अंबर इस्लाम कहती है गुड मॉर्निंग बड़ी, क्या हाल है बड़ी, कह रही है आज बहुत जल्दी आ गई, मैं समोसे बना रही थी क्या। और साथ
फिर कहते हैं हमारी कॉलर खुशी के नाम ये ट्रैक कर दे, वरी घर आया मेरा परदेसी प्याज मुझे मेरी अखियां की। ओके अच्छा जी, और पश्मीना कह रही है कि हाँ रुबीना के लिए बना रही हूँ चाय, कोई और उम्मीद ना रखे। हम पर कह रही है कि आपने ना कल हमारी सारी लॉटरियां खोल दी और हमारा और हमें पता भी नहीं चला। ओ माय गॉड, मतलब आपको कैसे पता नहीं चला अंबर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है सनम। ओके अंबर, तुम्हारी इस बात है ना हंस हंस के लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए सच में। जन्नतों का शहर। और महसूस आप कहते हैं कि जी जी हम सब उरुसा की अम्मी की सतियाबी के ढेरों दुआएं चले जी। हाँ जी बहुत शुक्रिया। और नाजी नाज कहती हैं कि एमजे नाजी का सबको सलाम, वालेकुम असलाम, बहुत शुक्रिया जी। एमजे क्या है। और शहजाद खराल वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच। सानी कहती हैं अभी आपके शो में कॉल लगने के लिए करना है, नंबर टाइप कर लिया है, अब क्या करना है, नंबर डायल भी करना है लड़की, अब कल डायल करना आज टाइम नहीं आ रहा। मेरे कहते हैं देखो दुखी नाम वाली आईडी वाली लड़की नाम बता दो वरना हम ना आपको कॉलर अली समझेंगे। हाँ 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 ओके जाहिर दादा आज कहते हैं कोई लड़की ढोलकी बजा लेती हो तो बताओ, हमारे हमसाये की शादी है मिल नहीं रही है बजाने के लिए। अच्छा साथ साथ नाच कह रही है कि भाई मैं आज सुबह सुबह उठ गई हूँ काफी दिन बाद, वरना दूर से वापसी आकर दिल नहीं करता बंदा नींद करके अभी अपनी नींद पूरी कर ले अपनी। अच्छा ठीक है तुमसे मिली नजर तो। साथ साथ फराज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ऑल, क्या हाल है नानी अम्मा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। धुआं धुआं जन्नतों का शहर। हाँ तो क्या हाल है फुपो। बीजा मालो फराज कह रहे हो इतना काम किया ना आइसक्रीम से ना हल्के बढ़ गए। कह रहे काफी जल्दी आ गया आज मैं। हाँ चलो छुट्टी हो गई तुम्हारी अब। और साथ साथ बस कहते हैं जिंदगी किराए का घर है और मेरे पैसे पे एक दारोगा की नजर है जो मेरे घर पे काबिज है अपना। कह रहे हैं भटका अपना भटकना दर बदर है। ओके पर आज कहते हैं हाँ इतनी जल्दी 11 बज गए। हाँ जी इतनी जल्दी बजते हैं 11। और उस्मान शाहिद वालेकुम असलम बहुत शुक्रिया। साथ साथ अंबर कहती है यार मैंने सुना नहीं था, चली गई थी मैं रिपीटेड सुना शो तब पता चला मुझे। ओके फराज कहते हैं फरहाना रोटी ना गोल बनाया करो, कुछ तो बनाना सीख लो, खुदा का खौफ करो फराज। और साथ साथ तक के ना मर जाइए। और पश्मीना कहती हैं कि हाँ जी मैंने पढ़ लिया था आबिद अमीर, बहुत शुक्र। कहते चलो फरी हमारे मदरसे का टाइम हो गया, टोपी नहीं मिल रही हमें। अच्छा वो लड़की कह रही है सिस्टर नाम लड़की और काम अम्मी की खिदमत, और पहले मैं बहुत बहुत उदास थी, अब मूड अच्छा, आपकी आवाज वाओ सो स्वीट, चले जबरदस्त हो गया, क्या बात है। राना कामरान कहते हैं आज कल जो है ना कौन कॉल पे नहीं आता। और फराज कहते हैं फुप्पो खुद ही होगी आप। मैं तो नहीं हूँ। कामरान शेख कहते हैं चले जी वालेकुम अस्सलाम फराज, बहुत मिस किया सबको आपको छोड़ के, अच्छी बात है मुझे मिस करना भी नहीं फराज, मुझे मिस करने के लिए और कोई है बहुत सारे लोग, किया सलाम है बस तुम मिस नहीं करना मुझे। फिर भी आराम है। काशी वाली मलिक कहते हैं आपकी दोस्त ने आने में बहुत जल्दी ज्यादा जल्दी आ गई हैं, उनको बोले कि आराम से आए नाश्ता करके। वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ आपने भी कहते हैं कि कल अच्छा नहीं किया आपने, 6-6 हैं, 6-6 सूट खरीदे मैडम ने और ऐसी होती है, मैंने अच्छा नहीं किया आपने। चले ना अच्छा है और नहीं तो क्या, ऐसी तो देखे भाई कम अज कम ऐसा तो नंदो को तो ऐसा होना चाहिए ना। भाभी भाई दिल भाई दिल खोल कर कपड़े खरीदे और नहीं तो क्या होगा किसी नंद का इतना बड़ा दिल। तो क्या हो गया भाई है मतलब कहते हैं कि कल तो रूसा और उसकी भाभी निहारी हैं खाई थी और जम कर आज फिर यानी के चटोरी नंबर 1 है ये लोग भी। नाजी नाज कहती हैं एमजे मींस मीडिया जॉकी, जॉकी या जकी कहते हैं मैं भी आरजे हूँ और एमजे भी और टीवी होस्ट भी हूँ ना आपीजी। अच्छा टीवी होस्ट में कौन सा टीवी पे शो करती हैं ये तो बताएं। साथ साथ पहले टाइम अच्छा चले छोड़े जाने दो। और ज्यादा सही दाश कहती है मजा आया वैसे, अरे वाह क्या बात है। और आबिद अमीर ना रो रहे और हंस भी रहे,
पता नहीं चल रहा कि अब रोना चाहिए कि हंसना चाहिए। मौसी लगा कहते हैं आज वाह वाह लेट हो गया, सारे लेट हो गए आज। चलें जी, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। पराज कहते हैं तो नहीं कर रहा मैं, डोंट वरी, आपको मैं तभी मिस करता भी नहीं हूँ मैं, इतने सारे लोग तो हैं, और नहीं तो क्या, इतने सारे स्पेशल लोग हैं मुझे मिस करने के लिए। तो हुआ है यू जेलस। चलें जी, इजाजत देते हैं मुझे, 8:55 now। तो चलें जी, इजाजत दीजिएगा मुझे अपना और अपने प्यार का रखिएगा बहुत 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 ही ज्यादा ख्याल, और अपने जाने वालों के भी रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में। आप मिलेंगे ना कल टाइम पर, आएंगे ना टाइम पर 9 बजे टाइम पर मिलते हैं फिर। फरहान इस्माइली साइनिंग ऑफ।